हर दिन हर हफ्ते कुछ तो नया सुनने को मिलने वाला है मेरे पीछे आपको निफ्टी का नियर्मन फ्यूचर का चार्ट दिखेगा एक पॉजिटिव बात जो आज के दिन में हुई है वो है कि निफ्टी ये जो ब्लू कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन है 16,850 ये लेवल क्रॉस करके आज ऊपर चला है तो पिछले दो दिनों में इसके नीचे ट्रेड हो रहा था निफ्टी और आज इसके ऊपर चला है तो ये एक पॉजिटिव है 16,850 के ऊपर अगर निफ्टी बना रहता है ये देखिए ये वाली ब्लू लाइन जो है वो इसके ऊपर अगर निफ्टी बना रहता है तो निफ्टी फिर एक बार ये जो लेवल है ऊपर वाली इसके लिए एम करेगा इंट्राडे में नहीं अगले कुछ दिनों में ये ध्यान रखिए ये कौन सा लेवल है तो ये लेवल है 17600 का 17600 17605 1760 ये जो ऊपर में यहाँ पे जो ये लेवल्स लिख दिए हैं मैंने ये लेवल्स के लिए एम करेगा तो ये देखना बहुत जरूरी है अब कल के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं तो इमीडिएट सपोर्ट जो बनता है वो है 16877 और 168 थर्टी टू ऐसी दो लेवल्स हैं कल के लिए जो हमने वॉच करने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स जैसे मैंने कहा 16, 850, तो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है प्राइस में इसलिए 16, और 16, 832, इस तरीके का एक सपोर्ट रेंज हमने वॉच करना है निफ्टी फ्यूचर के लिए और ऊपर में जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो सिक्सटीन नाइन एट फाइव और सेवनटीन थाउजेंड इस तरीके का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बनता है ये वाला लेवल ये लेवल ब्रेक करके अगर ऊपर चलता है तो सेवनटीन थ्री वन जीरो देखने को मिल सकता है ध्यान रखिए अभी भी जो जो एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ मार्केट में आना है वो अभी तक आया नहीं है ऊपर में बिकवाली अभी भी चल रही है तो स्टॉक्स गिरे हुए हैं उनमें नीचे की तरफ बाइंग आते दिखेगा तो उसके वजह से मार्केट को सपोर्ट भी मिलेगा लेकिन ऊपर में किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है ये देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इंट्राडे ट्रेड आप कुछ भी बनाओ तो ध्यान रखना है लॉन्ग ट्रेड लेते हो भाव ऊपर चलता है तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रेल करने से आप अगर इंट्राडे में कभी भी बिकवाली आ जाती है तो आपको रुकना नहीं पड़ेगा आप का भाव नीचे आने के बाद आपको नहीं समझेगा आप प्रॉफिट में हो या भाव भाव में हो या कुछ रिस्क के साथ आप बाहर निकल सकते हो तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपने इंट्राडे में इस मार्केट में तो इस्तेमाल करना ही करना है हर एक मार्केट में करना है लेकिन इसमें तो वो कंपलसरी करना है ये ध्यान रखिए तो अब आज के आज की जो कैंडल है देखिए आज एक तो ये कैंडल ये बोल रही है कि ये ये फर्स्ट इंडिकेट कर रही है कि शायद ये जो रेंज है इस रेंज में मार्केट फिर से एक बार आ जाएगा ये पहला इंडिकेशन है अब ऐसा मैं क्यों कहता हूं क्योंकि आज ओवरऑल अगर मार्केट में वॉल्यूम्स देखे तो वो कम थे स्टॉक्स में भी देखें तो वो वॉल्यूम्स कम है तो यानी ऐसा नहीं है कि मार्केट गिरा हुआ है इसलिए नीचे में है स्ट्रॉन्ग वाला बाइंग आ चुका है और वो मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है ऐसी बात है नहीं ये बाउंस बैक है क्योंकि गिर गए थे और जो निगेटिव बात जिस वजह से मार्केट गिरा था वो ऐसे लग रहा है कि यानी मेन रीजन क्या था तो ओमनिक्रॉन का था तो वो केसेस बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे और उसका ज्यादा फेटिलिटीज नहीं होंगी इसलिए मार्केट का सेल ऑफ रुक गया लेकिन ध्यान रखिए इवॉल्विंग सिचुएशन है हर दिन हर हफ्ते कुछ तो नया सुनने को मिलने वाला है तो मार्केट उस हिसाब से ट्रेड करेगा और ये कब तक चलेगा तो ये ईयर एंड तक इसी तरीके का मार्केट रहेगा नेक्स्ट मंथ से मुझे लगता है कि मार्केट सेटल होना चाहिए और वो स्ट्रेंथ जो मिसिंग है वो लौट के फिर से आ सकती है तो लेवल्स ये ध्यान रखिए ब्लू कलर की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है सिक्सटीन एट फिफ्टी की लेवल है इसके ऊपर एट फिफ्टी और सेवनटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इस तरीके का रेंज फिर से हमें निफ्टी के लिए देखने को मिलेगा इनका मार्केट किस तरीके से हो सकता है तो सेवनटीन थाउजेंड ब्रेक करके अगर ऊपर चलता है मार्केट तो मुझे लगता है बुलिश होगा सेवनटीन थाउजेंड ब्रेक नहीं कर पाता है या उसके ऊपर चल जाता है उसके नीचे आ जाता है तो हमें एक फ्लैट ट्रेड देखने को मिल सकता है और वीकनेस ये उसी समय होगा जब मार्केट ये जो लेवल है सिक्सटीन एट थर्टी टू का ये ब्रेक करके नीचे आएगा तो ही वीकनेस देखने को मिलेगा नहीं तो एक फ्लैट सा ट्रेड होगा स्क्रिप्ट स्पेसिफिक ट्रेड स्क्रिप्ट स्पेसिफिक तो मार्केट है ही लेकिन एक फ्लैट काइंड ऑफ ट्रेड इंडेक्स के लिए देखने को मिलेगा अगर सेवनटीन थाउजेंड के लेवल के ऊपर मार्केट टिक नहीं पाता है तो तो ये लेवल्स जो यहाँ पे मैंने लिखी है इनका यूज करके एक बढ़िया सा ट्रेड बनाएंगे मेरे पीछे आपको बैंक निफ्टी का नियर वन फ्यूचर का चार्ट दिखेगा देखिए स्टडी तो प्लॉट कर दिया है और आ, पॉजिटिव इसमें ये चीज है कि जो मंडे को फॉल हमने देख, आ, हमें देखने को मिला 34,000 का जो लेवल है आ, जो लेवल ये ब्लू कलर की जो लाइन है यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये लेवल ने आ, जून जुलाई ये जो पूरे महीने हैं यहां पे सपोर्ट लिया था और फिर से एक बार अब की बार फिर से एक बार इस लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया हुआ है तो ये एक पॉजिटिव सी बात है आ, अब जब तक 34,000 के ऊपर मार्केट बना रहता है तब तक जैसे मैंने निफ्टी के बारे में भी कहा उसी तरीके से ये भी शायद बैंक निफ्टी इस रेंज में आ जाए यानी नीचे में 34,000 और ऊपर में 36,000 इस तरीके का एक रेंज हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकता है ये इंट्राडी वाला लेवल्स नहीं है ये पोजिशनल वाला है यानी अगले कुछ दिनों में ये रेंज में मार्केट बना रहेगा मुझे लगता है कि आ, बैंक निफ्टी 34,000 को फिलहाल तो रिस्पेक्ट कर देगा यानी 34,000 ब्रेक करके नीचे जाएगा ऐसे अब भी फिलहाल तो नहीं लग रहा है तो 34,000 और 33,900 uh, इस तरीके का सपोर्ट बैंड है कि जो बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है फिलहाल तो ऐसे नहीं लग रहा है कि ये ये ब्रेक करेगा नीचे की तरफ मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में एक फ्लैट से बुलिश काइंड ऑफ ट्रेड देखने को मिलेगा 36,000 और 34,000 इस तरीके का रेंज बना रहेगा बैंक निफ्टी के लिए जैसे निफ्टी के, के केस में भी कहा उसी तरीके से बैंकिंग स्टॉक्स में अभी भी ऐसा नहीं है कि बहुत जोरों से या स्ट्रांग काइंड बाइंग आ रहा है लॉट के ऐसी नई बात है लेकिन उस चीज के लिए हमने रुकना है एक पॉजिटिव है कि हाँ सेलिंग फिलहाल रुक गया ऐसे लग रहा है हाँ बाउंस बैक में शायद ऊपर आने के बाद सेलिंग आता है या नहीं आता है बैंकिंग स्टॉक्स में ये देखना जरूरी है सारे के सारे बैंकिंग स्टॉक्स में बाउंस बैक नहीं दिख रहा है ये भी ध्यान रखिए तो ऐसा नहीं है कि कोई भी बैंकिंग स्टॉक में ले लूँ और वो बाउंस बैक दे दे ऐसी बात है नहीं तो इसलिए कन्फर्मेशन की राह देखनी जरूरी है अभी भी ये ये पूरा अगर फॉर्मेशन देखें तो अभी भी इनडिसीजन सा फॉर्मेशन है यानी ऐसी बात नहीं है कि मार्केट ना अरे पॉजिटिव नहीं तो अभी भी इनडिसीजन काइंड ऑफ माहौल है लेवल कौन सी वॉच करनी है तो ये देखिए ये जो लेवल है थ्री फाइव थ्री फाइव जीरो जो लेवल है ये रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है ये ब्रेक करेगा अभी फिलहाल थर्टी फोर फाइव थाउजेंड नाइनटी वन का लेवल है ये अभी भी ऊपर है यानी क्या इसका मतलब है कि हाँ इंट्राडे में ये बैंक निफ्टी यहां तक तो जा सकता ही है या यहां पे ओपन भी हो सकता है या इसके ऊपर भी ओपन हो सकता है लेकिन ये लेवल वॉच करनी जरूरी है कि इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर पाता है या नहीं ये देखना जरूरी है थर्टी 35, फाइव के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर लेता है तो उसके आगे 300 से 400 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है और वो भी इंट्राडे में हो सकता है ध्यान आया लेकिन ये लेवल ब्रेक करना बहुत मुश्किल होगा बैंक निफ्टी के लिए इमिजिएट यानी अगले दो दिनों तक ये जब भी ब्रेक करेगा तब भी बुलिश ये ध्यान रखिए नीचे की तरफ जैसे मैंने कहा लेवल्स तो मैंने यहां पे लिख दी हैं एक मिनट ये मैं जो ये प्लॉट किया हुआ है स्टडी निकाल देता हूं यानी आपको लेवल्स दिख जाएंगी ये देखिए लेवल्स तो यहां पे आपको मिल जाएंगी ये लेवल्स का यूज करके आप ट्रेड बना सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स दोनों हैं यहां पे नीचे की तरफ थर्टी फोर थाउजेंड थर्टी थ्री नाइन हंड्रेड मुझे लगता है फिलहाल एक बढ़िया सा सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए बना हुआ है तो इसके ऊपर ट्रेड करते रहेगा अगर थर्टी फाइव थ्री फिफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पाया तो थर्टी फाइव थाउजेंड और थर्टी फोर थाउजेंड इस तरीके का एक थाउजेंड पॉइंट का रेंज रहेगा जो हमें कल और आज में जो देखने को मिला जिस तरीके का ट्रेड उसी तरीके का एक ट्रेड दोनों तरफ का यानी मुझे लगने लग गया अरे चलो अब बुलिश हो रहा है मार्केट नीचे आ जाएगा अभी लगने लग गया अब बेरिश हो रहा है मार्केट ऊपर आ जाएगा तो इस तरीके का एक इनडिसीजन काइंड ऑफ ट्रेड हमें देखने को मिलेगा थर्टी फाइव थाउजेंड और थर्टी फोर थाउजेंड के बीच में रफ है, लेवल्स हैं एग्जैक्ट लेवल्स यहाँ पे चार्ट पे आपको दिख जाएंगी इंडेक्स के लिए मुझे लगता है फिलहाल लो प्रोफाइल रखना चाहिए एंटे एनलेस ये लेवल्स ब्रेक होती है जो मैंने आपको ऊपर वाली लेवल बताई थ्री फाइव थ्री फाइव जीरो तो वहां तक तो बैंक निफ्टी चल सकता है कल के लिए वहां पे किस तरीके से रिएक्ट होता है वहां पे सस्टेन स्ट्रॉन्ग बाइंग आ जाता है क्या वो रेजिस्टेंस ब्रेक करके स्ट्रांग बाइंग के साथ क्या बैंक निफ्टी ऊपर सस्टेन कर पाता है क्या इंडिविजुअल बैंकिंग स्टॉक्स में उस तरीके का सस्टेन बाइंग आता है ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी और उसके बारे में इंट्राडे में मेरे तरफ से आपको अपडेट मिल जाएगा आप अगर मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम के मेंबर हैं तो आप अगर मेंटरशिप प्रोग्राम के मेंबर नहीं हैं तो आपको मेरे तरफ से व्हाट्सएप पे अपडेट्स नहीं मिलते हैं और नहीं मिलते हैं और आपको अगर ये चाहिए तो नीचे मेरा नंबर दिया इस नंबर पर आपका इंटरेस्ट मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए मेरी टीम आपके कॉन्टैक्ट में आ जाएगी आपको तुरंत एनरोल करा लीजिए आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करेंगे तो ये है व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी पे कल के लिए भी और अगले कुछ दिनों तक के लिए भी ईयर एंड तक थोड़ा सा लो प्रोफाइल रखिए ऐसे मुझे लगता है जो कुछ आप स्टॉक्स इंडिविजुअल स्टॉक्स में अगर काम कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के तौर पे अगर करते हैं तो ठीक है शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा लो प्रोफाइल करना है तो क्वांटिटी कम रखें उससे आपकी रिस्क कम होगी और स्टॉप लॉस के साथ काम करें क्योंकि ईयर एंड तक मार्केट थोड़ा चौपी लग रहा है आपने मुझे इस वीडियो में ज्वाइन किया इसलिए आपका धन्यवाद बिना भूले आपके दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले आपके क्या बनता है और लेवल्स क्या है मेरा नाम है मंदार जाम संडेकर आपने इस वीडियो को ज्वाइन किया कि आपका धन्यवाद